अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप खैर आफियत से होंगे। सो मेरे पास बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि कितना CGPA चाहिए एरास्मस मतलब स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए, और कभी कभार पूछते हैं कि हमारा CGPA 2.8 है, 3 है, 3.1 है, तो इस CGPA के साथ क्या हमारी सिलेक्शन एरास्मस मतलब स्कॉलरशिप में हो सकती है या नहीं। तो अगर मैं आपको शॉर्ट आंसर दूं तो हो सकती है, लेकिन कैसे हो सकती है अगर वो जानना है तो ये वीडियो आप पूरी देखते रहें, क्योंकि मैं आपके साथ वो ट्रिक शेयर करूंगा जिसके ज़रिए आप लो GPA के साथ भी एरास्मस मंडल स्कॉलरशिप हासिल करके यूरोप में पढ़ सकते हैं अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए 2 साल के लिए विद अ स्टाइपेंड ऑफ 49,000 यूरोज 2 सालों का। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने एरास्मस मंडल स्कॉलरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल से वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो अगर आप वो वीडियोज़ फॉलो करेंगे आई एम श्योर कि आपके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे फॉर दिस स्कॉलरशिप, अगर वो टिप्स अप्लाई करेंगे जो मैंने बताई हैं। सो लेट्स जंप इन। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लो GPA के साथ या एवरेज CGPA के साथ आप क्या कर सकते हैं जिसके थ्रू आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले आपको तो ये कंसेप्ट समझना है कि ये जो लो CGPA है और ये एवरेज CGPA है तो इसका मतलब क्या है। लाइक एवरेज CGPA मतलब कितना CGPA, हाँ तो एवरेज तो मल्टीपल जगहों पे डिफरेंट हो सकता है, तो आपने हमेशा ये रखना है यार कि आप अपना एवरेज यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखिएगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो CGPA होते हैं वो आउट ऑफ 4 होते हैं, किसी का आउट ऑफ 5 होता है। तो यूजली पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में 3 out of 4 CGPA जो होता है वो एवरेज होता है। अगर इससे कम होगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड आर लोअर CGPA, अगर इससे ज़्यादा होगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड यू नो अबव एवरेज या फिर आपकी हाई में भी आ सकता है। सो नाउ एरास्मस मंडल्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर इट्स नॉट ओनली द GPA दैट मैटर्स, यहाँ पे आपकी पूरी एप्लीकेशंस में मल्टीपल वेट्स दिए गए होते हैं मल्टीपल कंपोनेंट्स को, तो CGPA इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट जो कि आपकी हेल्प करता है आपकी सिलेक्शन में, बट नॉट ओनली द सिंगल कंपोनेंट। तो आपके जो मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे आपकी रिकमेंडेशन लेटर, जैसे आपकी लेटर ऑफ मोटिवेशन, जैसे आपकी CV, वो भी बहुत मैटर करती है। तो अगर आपका CGPA कम है ऑब्वियसली वो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, बट आप अपनी CV इम्प्रूव कर सकते हैं। अब CV इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज़ें आप कर सकते हैं कि मैं आपको 2-3 टिप्स देता हूँ, वो आपने ज़रूर अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने जो प्रोग्राम्स जिसमें अप्लाई कर रहे हैं एरास्मस मंडल्स के लिए उसकी रेलिवेंट्स कोर्सेज़ लेने हैं कोर्सेरा से, ठीक है। कोर्सेरा से आप कोर्सेज़ लेंगे और आप उसमें यू नो इनरोल करेंगे और उनको कम्प्लीट करेंगे तो उसकी वहाँ से आपको सर्टिफिकेशंस मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो करना है आपने। द सेकंड टिप इज़ आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस लेना है उससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, जिसका आपका प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आप जिस प्रोग्राम में एरास्मस में अप्लाई कर रहे हैं आपका जो बैचलर्स है उससे रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आपने कोई ऐसी इंटर्नशिप करनी है और वर्क एक्सपीरियंस लेना है जो कि उससे रेलिवेंट हो। तो तीसरी चीज़ अगर आप कोई पब्लिकेशन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम से रिलेटेड, सो दैट विल इंक्रीज योर चांसेस अलॉट रिलेटेड टू यू नो आपका जो बैकग्राउंड है बैचलर्स में और आपका जो आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। सो आपको ये एक पेपर लिख के आप उसको पब्लिक कर दें तो वो बहुत आपकी चांसेस इंक्रीज करेगा। एंड आई एम श्योर कि ये जब चीज़ें आप अप्लाई करेंगे ना तो आपका जो लोअर CGPA है ये उसको कवर कर देगा, बिकॉज द प्रोग्राम विल नो ओके ये बच्चा जो है वो बाकी मल्टीपल चीज़ों में आगे काफ़ी निकला हुआ है और इसकी CV काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई CGPA पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। सो ये टिप्स आपने अप्लाई करनी है एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि दिस विल इंक्रीज योर चांसेस इन द एरास्मस मंडल स्कॉलरशिप अलॉट। तो अगर अभी तक आपने चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें फॉर मजीद टिप्स हासिल करने के लिए और अपने लिए भी एक स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए, ताकि आप भी पाकिस्तान से बाहर या फिर अपने मुल्क से बाहर यूरोप में आके पढ़ सकें। अगली वीडियो में मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।